देखो एक्सरसाइज 1.2 की बात करने वाले हम, तो 1.2 स्टार्ट करने से पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। और अब मैं हर बच्चों से एक बात कहता हूँ, जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, जो एक्सरसाइज आप स्टार्ट करते हो ना, पहले इससे इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखा करो, ताकि आपको बहुत जल्दी फील होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, आप डायरेक्ट एक्सरसाइज करने बैठ जाओ दिक्कत आ सकती है, तो अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया कि इसमें पढ़ना क्या था, क्या चीज़ थी, क्या क्या फॉर्मूले यूज होने थे, तो आपको बहुत ईजी रहेगा। बात क्लियर है? तो हम 1.2 या स्टार्ट करेंगे, इसका पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट। पहले नल सेट क्या होता है बच्चों, अभी हमने डिस्कस किया क्या होता है नल सेट। वेरी गुड, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। नल सेट का एक नाम और भी है एम्प्टी सेट, और एक नाम और भी है वॉइड सेट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजल बाय टू। बेटा ऐसा कोई ऑड नंबर बता दो जो टू से डिविजल होता है, मेरे ख्याल से तो नहीं होता, आपके ख्याल से नहीं होता। तो आपने क्या कहा कि सर यहाँ तो कोई एलिमेंट बनेगा ही नहीं, और जब बेटा कोई एलिमेंट नहीं बनेगा तो क्या बोलेंगे उसे, नल सेट। वेरी गुड, सेकंड पार्ट पे ध्यान दो, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट तो बेटा टू है, तो इट्स नॉट अ नल सेट, ये नॉट नल सेट, ये नल सेट नहीं है भैया। थर्ड पार्ट पे ध्यान दो, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। देखो बेटा ध्यान देना, x 5 से छोटा होना चाहिए और x 7 से बड़ा होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात से, ऐसा कोई नंबर है ही, कोई है क्या? अब आपको कोई सर 4 5 से छोटा है, तो बेटा 7 से बड़ा कहाँ है वो, है ना? तो ये भी क्या बोलेंगे इसे, नल। वेरी गुड, फोर्थ पे ध्यान दो, y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। हाँ जी, दो पैरेलल लाइन में कोई पॉइंट कॉमन आएगा, हाँ है ना? अरे दो लाइन पैरेलल है, क्या हमें कोई पॉइंट कॉमन है? नहीं, कहाँ कॉमन है बेटा? अभी इसमें बीच में डालोगे तब तो वो कॉमन लाइन मिलाओगे तो बनेगा, बट अगर आप इसको दो लाइन को देखो तो कहो कि सर कोई कॉमन पॉइंट बताओ मुझे, तो बता दोगे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। दो लाइन जब पैरेलल चलती है तो उनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता। कॉमन पॉइंट तब बनेगा जब सब इंटरसेक्ट करोगे ना, कहीं ना कहीं मिलाओगे तभी तो बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड ध्यान देना, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हाँ जी, सेट ऑफ मंथ इन अ ईयर, फाइनाइट। वेरी गुड, इनफाइनाइट। वेरी गुड, बताते जाओ। नंबर थ्री, क्यों फाइनाइट बेटा? क्योंकि इसका एक एंड हो रहा है, लिमिटेड है। देखो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से ऊपर, 101 को 103 104 चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट क्या लग रही है एक्सरसाइज, मुश्किल है इजी है? एक्सरसाइज कैसी लग रही है बेटा? सेट ऑफ प्राइम नंबर फाइनाइट होगा। वेरी गुड बेटा, क्वेश्चन नंबर थ्री पे ध्यान दो, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। द सेट ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो एक बार बताओ, एक लाइन पैरेलल ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ पैरेलल कितने लाइन बन सकती है? इनफाइनाइट। तो आपने क्या जवाब दिया कि सर इनफाइनाइट, तो उसका आंसर भी इनफाइनाइट हो जाएगा बच्चों। सेकंड पार्ट पे ध्यान दो, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ जी, क्यों? लिमिटेड है ना? बिल्कुल सही है, इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर बनेंगे, सेट ऑफ लेटर्स, वो एक लिमिटेड है। सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इनफाइनाइट। बट मल्टीपल की बात करें, देखो 5, 10, 15, 20 ये चलता जाएगा, ये तो केवल नेचुरल नंबर है बच्चों। ठीक है, नेगेटिव वाले तो हो सकते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम, इनफाइनाइट। नंबर चार पे ध्यान दो, फाइनाइट है भाई, कुछ तो होंगे। अरे 5,000, 10,000, 50,000, 20,000 कुछ तो होंगे, ये तो है नहीं कि हम गिनती नहीं कर सकते, काउंटिंग काउंटेबल है, तो फाइनाइट है। अ सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू एट ओरिजन। ओरिजन से कितने सर्कल पास कर सकते हो आप? 1, 2, 3 बहुत सारे। क्या बोलोगे आप इसे? इनफाइनाइट। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर चार पे भी ध्यान दे लो इसी बात पे। ए एंड बी बेटा इक्वल है और नॉट, चेक करो। ए बी सी डी डी सी बी ए, ए इक्वल बी। वेरी गुड, 4 हाँ देखो 4, 8, 12, 16 वहाँ पर है, 8, 4, 16, 18 नहीं है। ए डज नॉट इक्वल बी। वेरी गुड, 2, 4, 6, 8, 10 वेरी गुड,
ए इज इक्वल टू बी मल्टीपल ऑफ 10 नहीं है तो फोर्थ पार्ट इसका बेटा ए डज नॉट इक्वल बी। कोई डाउट यहाँ तक? तो हमारे चार क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर चलेंगे फिफ्थ की तरफ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो काम करो, पहले से नोट करो, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ पे ध्यान दो। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। चेक करते हैं। देखो ए सेट दे रखा है 2, 3, बी एक सेट दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर 5x+6 इज इक्वल टू 0। पहले से सॉल्व करते हैं बच्चों, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? x² + 3x + 2x + 6। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा मन में, सिर्फ टेंथ पढ़ गए हो, नाइन्थ में टेंथ में पढ़ते आ रहे हो चीज़ें। तो x प्लस 3 यहाँ बचेगा बच्चों, और 2 कॉमन लेने को तो क्या बचेगा अंदर? x प्लस 3। तो यहाँ बच्चों क्या आएगा? x प्लस 2 और x प्लस 3। तो सेट बन जाएगा, देखो ये प्लस 2 देखो माइनस में जाएगा तो माइनस 2 आएगा, तो एक माइनस 3 आएगा। आप कह रहे हो कि सर यहाँ तो 2, 3 है बट वहाँ तो -2, -3 है, देयर फोर ए डज नॉट इक्वल बी। सेकेंड पार्ट पर ध्यान दो बच्चों। एक ए है, इसका लेटर वर्ड क्या है बेटा? लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो सर लिख लो पहले एफ ओ एल। देखो एल दो बार रिपीट नहीं करेंगे, फिर ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे, तो ये लिख दिया। बी को लिखेंगे बच्चों डब्ल्यू ओ एल ओ एफ, क्या सेम दिख रहा है? ए इज इक्वल टू बी। कोई डाउट आता है? नहीं है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पे नजर करना। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो इक्वल सेट, बेटा बताओ एक है 2, 4, 8, 12, और 2, 4, 8, 12 कहीं और दिख रहा है? नहीं है। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 बेटा बी और डी सेम है, और बताइए एफ नहीं बेटा ई और G. आपने बोला कि सर E भी इक्वल है G के, और बताइए तो बस और तो कोई है ही नहीं, नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन था आपका सिक्स, ठीक है। लेकिन एक एक्सरसाइज खत्म करने से पहले एक बात और मैं आपको बता दूं, ध्यान देना बच्चों, एक नोट है छोटा सा, ये नोट पे ध्यान दो बच्चों। तो क्या लिखा है? ऑल इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं सभी को हम रोस्टर फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैं लाइन को लिख दूं यहां से, आप लिखना क्या लिखा है। ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब, मैं मतलब समझाऊंगा सब, कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ऐसा आप क्यों कह रहे हो? देखो जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते रोस्टर फॉर्म में। कुछ तो हम करते हैं जो हमने ऑलरेडी किया था, कभी क्वेश्चन भी किया, ध्यान देना। अभी रुक नहीं बेटा, कई में तो किया ना मैंने, जैसे 1, 3, 5 डॉट डॉट डाल दिया था, 2, 4, 6 डॉट डॉट डाल दिया था, है ना। लेकिन कुछ तो होते हैं ना हम लिख ही नहीं सकते रोस्टर फॉर्म में, ऐसे भी ऐसा क्या है? ध्यान देना, एग्जाम्पल समझते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ बेटा रियल नंबर क्या होते हैं? सारे रियल नंबर है ना, उसे कैसे लिखोगे बताओ, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो इन्हें हम केवल सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, बट अगर रोस्टर फॉर्म की बात आएगी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्योंकि रियल नंबर तो ऑल नंबर, रैशनल भी रियल नंबर होते हैं, इरेशनल भी रियल नंबर होते हैं, सारे रियल नंबर, याद रहेगा। देखो एग्जाम्पल में, द सेट ऑफ रियल नंबर कैन नॉट बी डिस्क्राइब इन द रोस्टर फॉर्म बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डू नॉट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता, ठीक है ना। क्या पैटर्न फॉलो करोगे? 1 के बाद 2 लिखोगे? अरे भाई 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, क्या 1 के बाद 1.1 लिखोगे? नहीं, 1 के 1.010002 बहुत सारे नंबर होते हैं। तो यहाँ एक पैटर्न फॉलो नहीं होता, और जहाँ बच्चों एक पैटर्न फॉलो नहीं हो पाता वहाँ पे हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते, याद रहेगा। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपने एक बात और ध्यान दिया, एक पैटर्न का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1, 3, 5, 7 डॉट 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 एक पैटर्न है ना, 2, 4, 6 डॉट 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 एक पैटर्न है,
1, 4, 9, 16, 25 एक क्या है, एक पैटर्न, एक स्क्वायर की फॉर्म चल रही है। तो एक पैटर्न का होना काफ़ी ज़रूरी है, बट कई बार सेट ऑफ, हमने बात जो कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर में, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता। तो ये छोटी सी एक बात थी जो आपसे आपको लिखनी है, और छोटी सी एक्सरसाइज थी 1.2, ये कंप्लीट होती है। अब हम चलेंगे 1.3 की तरफ, पहले से कॉपी करो फिर आगे देखते हैं।